फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के MBA की छात्रा के साथ अपहरण के बाद गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। मेरठ से गढ़ मुक्तेश्वर जा रही छात्रा को लिफ्ट देने के नाम पर पहले उसका अपहरण किया गया, जिसके बाद छात्रा को बुलंदशहर के स्याना में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, बेरहम बलात्कारियों ने रोड से चेहरे पर वार करके हत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए मामले का खुलासा किया और मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। IG प्रवीण कुमार का कहना है कि छात्रा के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, वो खुद अपने मित्र के साथ अपनी मर्जी से गई थी। सड़क पर गिरने के कारण उसको इतनी चोटें लगी हैं। तो वहीं परिजनों की माने तो छात्रा से जब उनकी आखिरी बार बात हुई तो उसने बस खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद वो लिफ्ट लेकर गढ़ मुक्तेश्वर आने की बात भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद छात्रा घर पर नहीं लौटी। परिजनों ने परेशान होकर जब छात्रा की खोजबीन शुरू की तो उसकी लोकेशन बुलंदशहर के स्याना में मिली। परिजन मौके पर पहुंचे और छात्रा से मिले तो छात्रा बोरी में बंद बदहवास हालत में जंगल से मिली, जिसके बाद उसका उपचार मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। छात्रा अभी भी बेहोश है। रेप मामले में नया मोड़ आने के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज हंगामा किया। उनका कहना था कि छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन IG इसको रेप नहीं मान रहे और घटना का गलत खुलासा किया गया है। छात्रों ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से सैकड़ों की संख्या में IG ऑफिस पर पहुंचकर धरना दिया, जहां IG उन्हें खुद समझाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन छात्र IG की बात सुनने को तैयार नहीं थे। छात्रों का कहना था कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और दोबारा से छात्रा का मेडिकल कराकर जांच की जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की कुल 9 मांगे थी, जिनको प्रशासन ने मान भी लिया। उसके बाद ही छात्र शांत हुए और वापस घर को लौटे। आइए जानते हैं क्या मांगे थी छात्रों की। मेरा नाम आनंद प्रकाश सिद्धार्थ है, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूँ कैंपस से। अभी अधिकारी से आपकी क्या वार्ता हुई है, क्या मांगे आपने रखी है? अभी बहुत देर से जो अधिकारी से वार्तालाप चल रही थी, इसमें जो निष्कर्ष निकल के आया वो सभी छात्रों के द्वारा ही निष्कर्ष निकल के आया। हमारी इसमें 9 मांगे रही है। सबसे पहली है उसे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए और ट्रीटमेंट भी न्यूट्रीमा अस्पताल के द्वारा दिया जाए और उसका सभी खर्चा पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से उठाए और जो अपराधी हैं उनके 24 घंटे में गिरफ्तारी हो और उनको 50,000 का इनाम घोषित कराया जाए और सोशल मीडिया पर उनके सभी फोटो वायरल कराए जाए और उनके सभी उनके जो परिवार वाले हैं उनको कुछ आर्थिक मदद भी की जाए और जो क्या है पूरे परिवार को सहयोग किया जाए। लड़की की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी और 50,000 की इनाम घोषित और सख्त कार्रवाई। इलाज जो है अभी इन्होंने एक आरोपी गिरफ्तार किया है, 3 फरार है, 4 के नाम आए हैं। इसका ये इलाज जो है भैया ये निशुल्क होना चाहिए, कहाँ से हो देंगे इसकी साथ में? और जो है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में और 24 घंटे के बाद गिरफ्तारी 24 घंटे में गिरफ्तारी होए और गिरफ्तारी के बाद तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करी जाए फास्ट ट्रैक से किसी भी तरीके से होगा। अगर गिरफ्तारी होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करी जाती तो छात्र उसके लिए आंदोलन करेंगे। IG मेरठ जोन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई गई है, जिसमें गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। छात्रा स्वयं ही अपने मित्र के साथ गई थी और बाकी छात्रा के होश आने पर ही सही बात का पता चल सकेगा। इस मौके पर फर्स्ट बाइट की टीम उन छात्रों से मिलने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंची, जहां वो धरना प्रदर्शन कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को देख लग रहा था कि सभी के अंदर एक आग है और वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, अब नहीं उठेंगे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इस देश की दुविधा है, पहला मामला नहीं है ये ऐसा जिसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा हो या भीड़ सड़कों पर उतर आई हो। यहाँ सवाल ये है कि क्या लोग अनहोनी होने का इंतजार करते हैं? क्या लोगों को जागरूक केवल तभी किया जाता है जब कोई इस प्रकार का जघन्य अपराध हो जाता है, या फिर ये प्रोटेस्ट इंसाफ दिलाने के लिए नहीं चेहरों को चमकाने के लिए किए जाते हैं? आइए जानते हैं छात्र किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह वो अपनी राजनीतिक संस्था या संगठन का जिक्र सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ही किसी सवाल का जवाब देते हैं।
मैं इस चीज़ के पूर्ण समर्थन में आपके जो विचार हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसी मेंटेलिटी बन चुकी है कि जब कोई घटना ताज़ी होती है, जब कोई विषय ताज़ा होता है, हम तब तक केवल उसके लिए जागरूक रहते हैं, अपने आप को जोश में समझते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद कहीं ना कहीं हम अपने विचारों में भी और अपने कार्यों में भी वो ठंडाई ले आते हैं, जिस कारण ऐसी घटनाएँ रोज़ कहीं ना कहीं होती हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पुरुष वर्ग को भी मैं जिम्मेदार मानती हूँ कि जब हमारे बीच में समाज में ऐसा माहौल होता है, ऐसी चीज़ें रोज़ हम सड़कों और चौराहों पर देखते हैं, कॉलेजों में देखते हैं, तब कहीं ना कहीं हम जैसे ही लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया न देकर मौन रह जाते हैं। जिस तरह कहीं ना कहीं छात्राएं इस तरह की चीज़ों को अनदेखा कर देती हैं, जो इस तरह के अपराधी विचारधारा वाले लोग होते हैं उन्हें हौसला मिलता है कि वो छोटे कामों से छेड़छाड़ जैसी चीज़ें जब बलात्कार जैसी घटनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। मेरा नाम अंशु है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपना ABVP संगठन है, छात्र संगठन, उसके प्रांत छात्रा प्रमुख और राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ऐसा मसला था कि अभी हमारा अपने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है जो कि राज्य विश्वविद्यालय है, इसकी MBA की छात्रा जो कि अपना क्लास कंप्लीट करने के बाद घर जा रही थी, उसके ही कुछ मित्रों ने उसका अपहरण कर उसके साथ अमानवीयता घटना करी है, जिससे उसका बलात्कार करके उसको रोड पर फेंक दिया गया। सेम जैसे निर्भया वाला कांड था, सेम ऐसा कांड आज कल मेरठ महानगर के अंदर करा गया। इसका विरोध करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आया। पब्लिक को तुरंत टाइम टू टाइम एक्शन लेना चाहिए और उस चीज़ का विरोध करना चाहिए जब तक कि हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस लड़की के, उस छात्रा के लिए, अपनी उस बहन के लिए, कि वो उसको इंसाफ मिल सके, जो जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनको फांसी दी जा सके, उनको सजा दी जा सके, इस तरह का हम कार्य करना चाहते हैं। और यही हम सबसे बोलते हैं कि सब लोग इस बात के लिए जागरूक रहें, वो अपने इंसाफ के लिए कानून से कह सके, अपनी आवाज़ उठा सके। आज का पूरा मामला ये था कि विगत दो दिन पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की छात्रा जो कि MBA की छात्रा थी, वो यहाँ से क्लासेस करके और अपने घर जा रही थी, और घर जाने के पश्चात जब रास्ते में उसकी बस ख़राब हो गई और उसने एक लिफ्ट के तौर पे उसने एक गाड़ी को हाथ दिया, तो उस गाड़ी में उसके परिचित जानने वाले मिले, तो उस गाड़ी में जब वो बैठी तो उसे लगा, विश्वास करके उस बैठ गई, और जब जा रहे थे तो चार पांच लड़कों ने उस छात्रा के साथ घिनौना काम किया, और वो विश्वविद्यालय की छात्रा थी या इस देश की छात्रा थी। इसीलिए आज सभी लोग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की छात्र एवं छात्राएं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वह सभी छात्र छात्राओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और हमारी इतनी ही मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से कि इस इतने घिनौने काम में जो इसके आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करने की कृपा करें। वह उनसे मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से व सभी छात्र छात्राओं से कि यह लड़ाई सिर्फ एक छात्रा की नहीं, यह लड़ाई समस्त जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं या पूरे देश में कहीं भी किसी कॉलेज में छात्र छात्राएँ पढ़ रही हों, आगे ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हों, इसीलिए यह लड़ाई समस्त देशवासियों की है। आइए सबसे पहले जानते हैं मेरठ जोन के IG प्रवीण कुमार का इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्या कहना है। देखिए, पूरा प्रकरण अभी तक की विवेचना में गैंग रेप का कतई नहीं है और ना ही किडनैपिंग का प्रकरण है। अभी तक की जो विवेचना हुई है उसमें यह लड़की बालिग है, एक बालिग अपने साथी को जो पहले साथ पढ़े हैं और बगल में इसकी बुआ लड़के की रहती है, उसके साथ रहते हैं, उसको फ़ोन करती है और उनके साथ मोटरसाइकिल से जाती है। मोटरसाइकिल से गिरने की दशा में इस लड़के के द्वारा निजी चिकित्सक के यहाँ पर इसका इलाज कराया जाता है, फर्स्ट एड दिलाई जाती है, वो भी साक्ष्य हैं। उसके पश्चात एक अदर नर्सिंग होम में भी वहाँ दिखाया जाता है, सयाना क्षेत्र, वहाँ पर उसके भी साक्ष्य हैं। और उस सबके बाद जा करके ये लड़की उस लड़के के घर में रहती है जहाँ महिलाएँ इत्यादि बहुत लोग हैं। पुलिस के द्वारा जब लड़की के परिवार वालों को द्वारा जब सूचना दी जाती है तो पुलिस इनके साथ जाती है, मोबाइल की लोकेशन के बेसिस पर उसके घर तक पहुंचती है, वहां पे सारी स्थिति स्पष्ट होती है। फिर भी मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट चूंकि उसको है तो उसको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया गया। मेडिको लीगल जब कराया गया तो बलात्कार की कोई पुष्टि उसमें नहीं हुई है। फिर भी सभी पहलुओं पर चूंकि विवेचना जिस तरह से विवेचना दी जाती है, विवेचना की तहरीर के आधार पर धाराएं लगती हैं और उसके क्रम में उसमें FIR उस पर चल जो हुई है उस पर विवेचना की जा रही है। अभी भी उस जो मुख्य अभियुक्त है
वो अपने आप उसको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, उसको भी इंटरव्यू जिस ताकि हम उसे पूरी चीजें जो स्थितियां हैं उससे भी कॉरोबरेट कर रहे हैं और हम निष्पक्ष होकर पारदर्शी होकर के इसमें विवेचना को लॉजिकल एंटर लेकर जाएंगे। बट प्रथम दृष्टया ये प्रकरण ना ही बलात्कार का है और ना ही किडनैपिंग। आइए जानते हैं एसएसपी अजय साहनी का क्या कहना है। पंजीकृत हुआ था उसको लेकर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, ये बच्चे आए थे और इनकी कुछ मांगे थे कि बच्ची का बेहतर इलाज करा दिया जाए। एक जो लड़की है घायल और प्राइवेट नीचे के साथ सुरक्षा के लिए पूछ लगा दिया जाए, सारी बात उनकी मान ली गई है। इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर तरीके से इनको बता दिया है, जो ज्ञापन दिया ज्ञापन ले लिया गया है और बच्चे जा रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर जो कि इलाज कर रहे हैं पीड़िता का, उनका क्या कहना है। डॉक्टर क्या नाम आपका? डॉक्टर चंदन। डॉक्टर साहब, एक हापुर से लड़की एडमिट हुई है, किस कंडीशन में और किस स्थिति में? अभी तो फिलहाल उसकी हालत ठीक है, स्टेबल है पेशेंट। हमने उसे ट्रॉमा ICU में शिफ्ट करा रखा है और जब आई थी तो थोड़े सर पे चोट वगैरह थे, टाके लगे हुए लगा कर आई थी, बाकी अभी तो ठीक है। जैसे परिवार वालों का आरोप है कि उसके साथ में कोई रेप वगैरह का मामला हुआ, ऐसे कोई आपको पुष्टि हुई है क्या? ये तो आपको वहीं प्राइमरी जहाँ से आई है वहीं से पूछे, हमारे पास तो ट्रीटमेंट के लिए आई है, हम अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल हो रहा है अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या कंडीशन है वैसा कुछ? अभी स्टेबल है पेशेंट, ठीक है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए FirstBite.tv।